हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। ये HTML CSS प्रोजेक्ट पार्ट नंबर 4 है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे CSS। तो अब तक आपने देखा, मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, सारा बॉक्स बन चुका है, ये सारा कंटेंट बीच में आ गया है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रोग्राम टाइमलाइन को ठीक करेंगे, ये जितना भी कंटेंट है इसका स्पेस ठीक करेंगे, ये स्ट्रिप जो है वो डालेंगे। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो टाइमलाइन हेडिंग है, ये आप देख सकते हैं, टाइमलाइन का जो हेडिंग है उसको पहले ठीक करते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे और टाइमलाइन हेडिंग का देखिए, ये देखिए टाइमलाइन हेडिंग है। तो ये कॉपी कर लेती हूँ, डॉट टाइमलाइन लिखूँगी और उसके अंदर जो H1 है उसका प्रॉपर्टी और वैल्यू डालूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, कमेंट कर रही हूँ, टाइमलाइन हेडिंग, टाइमलाइन हेडिंग, और इसके अंदर ये क्लास है तो क्लास के लिए आपको डॉट लिखना होगा। और यहाँ मैं पेस्ट कर रही हूँ टाइमलाइन, और इसके अंदर जो H1 है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका कलर चेंज कर रही हूँ। कलर मान लीजिए #1B2C6D कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, फ्रेश कर दीजिए, तो देखिए कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ हम सेंटर लिख लेते हैं। नेक्स्ट फॉन्ट फैमिली डाल देती हूँ, फॉन्ट फैमिली जॉर्जियन डाल देती हूँ। नेक्स्ट फॉन्ट साइज डाल देती हूँ, फॉन्ट साइज क्या करता है, साइज बढ़ा देगा, और इसको 31 पिक्सल मान ले डाल देते हैं। तो चलिए पहले इतना चेक करती हूँ और इसे सेव कर लें, और यहाँ मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए बीच में आ गया। अब हम लोग स्पेस इसका टिक करेंगे। तो आप जानते हैं कि पैडिंग क्या करता है, स्पेस जो है कंटेंट के बीच में स्पेस डाल देता है। तो मैं पहले पैडिंग लिख लेती हूँ, पैडिंग, और ये मान लीजिए दो वैल्यू डालती हूँ, एक 3% और दूसरा जो है मान लीजिए 36%। देखिए दो वैल्यू का मतलब होता है कि जो पहला वैल्यू है ये टॉप और बॉटम के लिए लेगा और नेक्स्ट वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए लेगा। तो इसे सेव कर लें और रिफ्रेश कर दें। तो देखिए कंटेंट जो है आ गया है। अब मान लीजिए कि एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट वेट, और मान लीजिए लाइटर। देखिए आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप देख सकेंगे कि उसका वैल्यू भी बहुत सारा देता है। तो देखिए ये लाइट हो गया है, तो ये हो गया हेडर। अब नेक्स्ट जितना भी ए लिंक है आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिंक जो है ए लिंक, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देती हूँ और इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंड टाइमलाइन हेडिंग एंड लिंक लिख लेती हूँ यहीं पे, एंड लिंक। तो आप यहाँ देखिए ये किसके अंदर है, ये जो है डिव इसके अंदर है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर ले रही हूँ और इसके अंदर जो जो भी ए लिंक है उसको चेंज कर दे। तो ये देखिए क्लास है तो डॉट फाइल लिखूँगी। तो यहाँ हम लिखते हैं डॉट, जो भी क्लास है इसके अंदर जो लिंक है इसका फॉन्ट साइज चेंज कर रही हूँ। फॉन्ट साइज जो होगा वो मान लीजिए 20 पिक्सल डाल रही हूँ, और दूसरा फॉन्ट फैमिली मान लीजिए जॉर्जिन ही डाल देती हूँ। सेव कर लें और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो ये कि फॉन्ट फैमिली जो है चेंज हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हेडिंग है, ये जो है हेडिंग, उस इस हेडिंग को चेंज करेंगे, इस पैराग्राफ को चेंज करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं हेडिंग को चेंज करती हूँ। तो हेडिंग क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, जितना भी हेडिंग H2 है इसको मैं चेंज कर रही हूँ। तो टाइमलाइन कॉलम 1 के अंदर तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कमेंट में, यहाँ हम लोग टाइमलाइन हेडिंग, क्योंकि दोनों का हेडिंग चेंज करूँगी, एंड टाइमलाइन पैराग्राफ भी यहीं पे लिख लेती हूँ पैराग्राफ। तो पहला डॉट फाइल पेस्ट कर देती हूँ और इसके अंदर जो H2 टैग है उसका प्रॉपर्टी डाल रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये जो है H2 है, इसके अंदर इस टाइमलाइन 1 के अंदर जो H2 है उसको डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कलर डाल रही हूँ, कलर जो है हैश मान लीजिए, यही कॉपी करके इसे पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट फॉन्ट साइज छोटा कर देती हूँ, फॉन्ट साइज मान लीजिए 18 पिक्सल कर दे रही हूँ। नेक्स्ट फॉन्ट फैमिली डाल देती हूँ, आप ये सारा कुछ जानते होंगे।
जॉर्जियन। तो यहाँ पहले सेव कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ, कलर चेंज हो जाएगा, फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा और फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रिफ्रेश कर दे, तो ये देखिए ये जो है कलर, ये जो H2 है इसका देखिए कलर जो चेंज हो गया है। नेक्स्ट इसका फॉन्ट साइज भी छोटा हो गया और फॉन्ट फैमिली जो है जॉर्जियन हो गया है। नेक्स्ट मार्जिन बॉटम कर देती हूँ, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम जो है मान लीजिए 2 पिक्सल कर दे रही हूँ, और जो स्पेस है पैडिंग वो भी डाल देती हूँ। पैडिंग क्या करता है, स्पेस डाल देता है, मान लीजिए मैं 4 वैल्यू डाल रही हूँ और 2 पिक्सल। जब 4 वैल्यू आप डालते हैं तो पहला जो होता है टॉप के लिए होगा, नेक्स्ट जो होगा राइट के लिए होता है, नेक्स्ट जो है बॉटम के लिए, और जो नेक्स्ट जो है लेफ्ट के लिए। इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। तो ये देखिए स्पेस चेंज हो गया है। उसी तरीके से इसका भी सेम हम रखेंगे, तो जो भी आपने ये प्रॉपर्टी जो डाला है सेम प्रॉपर्टी और वैल्यू इसका भी रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए टाइमलाइन, इसका नाम क्या है, टाइमलाइन 2, और इसके अंदर जो H2 है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कमा, आप दोनों का सेम डाल सकते हैं, कमा करके लिख सकते हैं आप .H2, इसके अंदर जो H2 है, और इसे सेव कर लें और यहाँ हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों का वैल्यू जो है चेंज हो गया है। अब हम पी टैग, जो पी टैग के अंदर जो बंद किए हुए हैं, आप यहाँ देखिए पी टैग के अंदर बंद है, उसे प्रॉपर्टी और वैल्यू डालते हैं। तो इसके अंदर का भी जो टाइमलाइन है, देखिए यहाँ पे डॉट टाइमलाइन है, पहला हम इसका चेंज करेंगे और दोनों का ही सेम होगा, टाइमलाइन 1, कॉलम 1 का और 2 का भी। तो टाइमलाइन 1 के अंदर जो पी टैग है, यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, और डॉट इसके अंदर जो पी है, फॉन्ट फैमिली डाल देती हूँ, फॉन्ट फैमिली जॉर्जियन, फॉन्ट साइज डाल देती हूँ, साइज मान लीजिए हम छोटा कर देते हैं, और फॉन्ट साइज मान लीजिए 12 पिक्सल कर देती हूँ। नेक्स्ट कलर डाल देती हूँ, और यहाँ से ये कलर हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ, और मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ। जितना भी कंटेंट होगा वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए ये जो है कंटेंट आप देख सकते हैं, ये छोटा हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लर्न मोड जो है ये कुछ ज़्यादा लग रहा है इसका फॉन्ट, और इसका कम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे टाइमलाइन कॉलम 1 डाली हूँ मैं, इसके अंदर जो ए है, तो मैं 1.5 ए को कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, टाइमलाइन के अंदर जितना भी ए है, देखिए टाइमलाइन फुल यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन 1 की जगह हर जगह हमें चेंज करना होगा। तो उसके बढ़िया कि आप यहाँ पे ए कर दें, टाइमलाइन के अंदर जितना भी ए है उसको चेंज कर दें। तो ये देखिए सबका चेंज हो गया है। साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं यहाँ मान लीजिए 15 कर देती हूँ, तो ये छोटा हो जाएगा, और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये देखिए सब छोटा हो गया है। तो अब तक हमने इस पी टैग को मैं डाल रही थी, तो चलिए इसके अंदर और लिखती हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया है, मैं पैडिंग डाल देती हूँ, कुछ स्पेस आ जाएगा, मान लीजिए 1% डाल देती हूँ, लाइन हाइट डाल देती हूँ। लाइन हाइट क्या आता है, जो सेंटेंस है उन दोनों के बीच में स्पेस डालता है, तो 1.5 डाल देती हूँ। सेव कर लें और यहाँ मैं चेक करती हूँ आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, और यहाँ हम रिफ्रेश कर दें। तो ये देखिए लाइन हाइट जो है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में स्पेस आ गया है। नेक्स्ट हम आप यहाँ देख सकते हैं जो स्ट्रिप है, जो इमेज था यहाँ पे स्ट्रिप, वो डालते हैं। तो यहाँ से मैं सेव, यहाँ हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो चलिए स्ट्रिप का जो आईडी है वो ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रिप टॉप है, कॉपी कर ले रही हूँ, क्लास है ये, और इसके अंदर हम कमेंट कर लेते हैं और स्ट्रिप लिख लेते हैं। देखिए क्लास है इसलिए आपको डॉट लिखना होगा, और इसके अंदर हम लिखते हैं, पहले विड्थ और हाइट डाल देती हूँ। विड्थ मान लीजिए 18 पिक्सल है, हाइट डाल लेते हैं, हाइट मान लीजिए 101 पिक्सल है। तो चलिए सेव करती हूँ, और अब हम चाहते हैं ये बीच में आ जाए, तो हम लोग मार्जिन 0 ऑटो यूज़ करते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं मार्जिन 0 ऑटो,
इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, ये देखिए बीच में आ गया है। नेक्स्ट नीचे वाला जो स्टेप है उसका भी उसी तरीके से डिज़ाइन करती हूँ। ये देखिए इसका नाम क्या है, टाइम लाइन स्ट्रिप बॉटम, इसे कॉपी कर लें। और ये जो है ये भी क्लास है, तो मैं डॉट लिख लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले हम विड्थ डालेंगे, विड्थ मान लीजिए 18 पिक्सल डाल रही हूँ। और यहाँ हाइट डाल देती हूँ, हाइट मान लीजिए 129 पिक्सल डाल रही हूँ। नेक्स्ट मान लीजिए मार्जिन डालती हूँ, मार्जिन -57 पिक्सल, आप माइनस में डाल सकते हैं। और ऑटो क्या करता है, ब्राउज़र के हिसाब से लेफ़्ट और राइट दोनों में इक्वली डिवाइड करता है। तो मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ, आप देखिए ये आ चुका है। और ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो मैं बैकग्राउंड नो रिपीट कर देती हूँ। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और इसे सेव कर लें। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा होगा, पर रिपीट नहीं हो रहा है ये जो इमेज है। अब देखिए ये स्पेस यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पे भी देखिए एक कंटेंट जो है ये भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम मार्जिन डाल देते हैं, टॉप रैपर वन जो है यहाँ पे मान लीजिए कि मैं मार्जिन डाल देती हूँ, मान लीजिए बॉटम डाल देती हूँ 8 पिक्सल, सेव कर लें। और यहाँ मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, तो अब देखिए ये जो है मार्जिन ठीक हो गया इसका। नेक्स्ट उसी तरह इसका भी ठीक करती हूँ, मार्जिन इसमें भी डाल देती हूँ रैपर टू में, और यहाँ लिख लेती हूँ मार्जिन टॉप, और मान लीजिए -7 पिक्सल कर देती हूँ, सेव कर लें। और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो पी टैग है, देखिए इसका पी टैग चेंज हो गया, मगर इसका पी टैग चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पे पी टैग जो यहाँ पे हमने डाला है इसके लिए भी डाल देती हूँ। ये कॉलम वन के लिए पी टैग है, उसी तरह कॉलम टू के लिए भी डाल देती हूँ। कमा कॉलम टू है ये, आप ऊपर देख सकते हैं कॉलम टू है, तो यहाँ कॉलम टू लिख देते हैं और इसे सेव कर लें। और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर, तो ये देखिए आ गया है। तो देखिए कंप्यूटर गर्ल विथ हेडिंग जो हमने पहले भी बनाया है। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टाइमलाइन आ गया, ये इमेज, इसका हेडिंग, कंटेंट, ये देखिए लर्न मोड, ये लिंक आ गया, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई लिंक नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। ये देखिए रैपर है ऊपर का, और ये नीचे का है, ये HR आपका हॉरिजेंटल लाइन है। तो ये हो गया आपका main.css और ये index.html। तो आपने इस ट्यूटोरियल में स्मॉल प्रोजेक्ट देखा कि किस तरीके से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई